दोस्तों एड ऑन रील सेटअप का ऑप्शन आप कैसे लाएंगे, एकदम नया तरीका आज बताने वाला हूं, क्योंकि फेसबुक ने बहुत सी ज्यादा चेंजिंग कर दी है। तो नए तरीके से एड ऑन रील को आप कैसे इनेबल करेंगे भैया, एवं एड ऑन रील से भर भर के पैसा कैसे कमाएंगे, आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा फेसबुक पर काम करना कठिन हो गया है। लेकिन अगर आप मेरे से जुड़े हुए हैं, आप मेरे वीडियोस को देखते हैं, मेरे द्वारा बताए गए सारे रूल्स को आप फॉलो करते हैं, 100% आप फेसबुक पर एड ऑन रील से रेवेन्यू भैया जनरेट कर पाएंगे। अगर वीडियोस को पूरा देखते हैं, पूरा समझते हैं, तो जो जो चेंजिंग्स हुई हैं आप लोगों को मैंने बताया है। लेकिन एड ऑन रील अब इनेबल कैसे करेंगे, आप लोगों में से बहुत से लोग एड ऑन रील को इनेबल भैया नहीं कर पाते, तो कैसे इनेबल करेंगे, ठीक है। यहां पर आप लोगों को मैं मोबाइल स्क्रीन पर दिखाना चाहूंगा, यहां पर आप लोग देख सकते हैं, थोड़ा ऊपर स्क्रॉल करते हैं, यहां पर मोनेटाइजेशन सेक्शन में जाते हैं, यहां पर भैया आप लोग देख सकते हैं कि एड ऑन रील सेटअप का ऑप्शन आया हुआ है। अब आप लोगों के पास में सेटअप का ऑप्शन नहीं आ रहा है, लेकिन ये नया तरीका अगर आप समझ लेंगे तो भैया एड ऑन रील को आप इनेबल कर लेंगे एवं पैसा भी कमाएंगे। यहां पर हम क्लिक करते हैं, कोई स्क्रीनशॉट आपको दिखा नहीं रहे हैं, ठीक है, आप लोगों ने देख लिया, यहां पर भैया ये एड ऑन रील इनेबल है और स्टार भी इनेबल है। तो एड ऑन रील आप इनेबल कैसे करेंगे, वही तरीका आज हम बताने वाले हैं, ठीक है। अगर आप समझ लेते हैं तो आप इनेबल कर पाएंगे। तो हम बात कर लेते हैं नंबर एक पे, अभी एड ऑन रील इनेबल नहीं हो रहा है आपका, क्यों नहीं हो रहा है, ठीक है। तो मैं इसका आंसर आपको दे देता हूं, क्योंकि एड ऑन रील अभी फेसबुक दोस्तों नहीं दे रहा है, ठीक है। एड ऑन रील मिलता कब है, एड ऑन रील मिलने का मेन रीजन क्या होता है, एड ऑन रील मिलता कब है, तो एड ऑन रील भैया मिलता उस टाइम में, पहले क्या होता था, आप रील्स को अपलोड करते थे और एड ऑन रील का फीचर आपको मिल जाता था, यानी कि एड ऑन रील जो होता है वो इनेबल हो जाता, लेकिन अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब भैया ऐसा है कि आप काम करते जाएंगे और एक ऐसा टाइम आता है जब सभी को फेसबुक देता है रील्स का ऑप्शन, तो आपको भी दे देता है, ऐसा कर रहा है। लेकिन भैया हाल ही में एक बहुत ही बड़ा अपडेट आया है फेसबुक का, तो अपडेट कौन सा है, अपडेट है कि बहुत से लोगों ने बताया कि इन स्ट्रीम दोस्तों बंद हो गया है, रील भी बंद हो गया है, अब सीधे कंटेंट मोनेटाइजेशन आपको सेटअप का ऑप्शन दे रहा है और उससे आप पैसे कमा पाएंगे। तो ऐसा आपको बता दूं बिल्कुल भी नहीं है, एड ऑन रील मिल रहा है, इन स्ट्रीम सेटअप के पेज जो होते हैं वो मोनेटाइज हो रहे हैं, ठीक है। आप लोगों को बहुत से यूट्यूबर बताते हैं भैया मोनेटाइज नहीं हो रहे, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आप लोग काम बंद करना बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि आप काम करेंगे तो ही कुछ हो सकता है। अब बात कर लेते हैं एड ऑन रील फीचर मिलेगा तो कैसे मिलेगा, इससे रिलेटेड मैंने बहुत सारे वीडियोस बना रखे हैं, उन वीडियोस में आपको समझाया है, बताया है कि किस तरीके से आप काम करेंगे, स्टोरी वाले वीडियो ज्यादा डालेंगे उस पे एड ऑन रील मिलता है। और हम बात कर लेते हैं एड ऑन रील को इनेबल करने का मेन सेटिंग क्या है, ठीक है। तो हम चलते हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पे, ठीक है, यहां पर दोस्तों हम आ गए अपने मोबाइल की स्क्रीन पे, अब ओपन कर लेते हैं अपना फेसबुक अकाउंट। अब यहां पर दोस्तों देख सकते हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर आ गए हैं, ये हमने अपना एक पेज ओपन कर लिया। अब एक पेज भैया ओपन कर लिया है, यहां पर स्टार से मोनेटाइज है और रील से मोनेटाइज है, बोनस से और कंटेंट मोनेटाइजेशन से। अब इसका ओपन करने का मतलब क्या है, लोग बोलते हैं कि एड ऑन रील नहीं मिलेगा और क्या बोलते हैं, इन स्ट्रीम भैया नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं, जानते हो क्या हुआ है, अब मैं आपको बता दूं, ठीक। एड ऑन रील मिलेगा कैसे वो आपको बाद में समझाऊंगा, पहले ये समझिएगा, ठीक है। जो ये आपका रील वाला फीचर है, ठीक है, और बोनस वाला फीचर है, या आपका इन स्ट्रीम वाला फीचर है, ठीक है, अगर ये वाला टूल आपको मिल जाता है तो जितने वाले टूल आपके पास ऑलरेडी हैं उन सब की अर्निंग इसके साथ में ऐड हो जाती है, और कुछ भी नहीं है, सिर्फ सीधा फंडा यही है। ऐसा नहीं कि आपको रील का रेवेन्यू नहीं मिलेगा, रील का भैया आपको अलग मिलेगा, जो इसका ऐड भी अलग होगा, बोनस का होगा वो भी ऐड अलग होगा, लेकिन यहां पर लिखा दिखाई देगा, ठीक है। अगर हम बोनस पे क्लिक कर लेते हैं, ठीक है, यहां पर हम बोनस पे जाते हैं बाय द वे, तो यहां पर देख सकते हैं क्या लिखा है, यू आर नाउ अर्निंग थ्रू कंटेंट मोनेटाइजेशन, यानी कंटेंट मोनेटाइजेशन के द्वारा आप अर्निंग कर रहे हैं, जो यहां पर आपको दिखाई देगी। इतना आपकी समझ में आ गया ना। अब कंटेंट मोनेटाइजेशन किनको मिलेगा और एड ऑन रील किनको मिलेगा, आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो कंटेंट मोनेटाइजेशन आपको एक, कोई जरूरी नहीं है कि आपके पास कोई टूल नहीं है और डायरेक्ट आपको कंटेंट मोनेटाइजेशन का टूल इनेबल कर दिया जाएगा,
तो भाई मेरा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कंटेंट मोनेटाइजेशन उन्हीं को मिलेगा जिनके वीडियोस में क्वालिटी होगी, रेगुलर कंटेंट डालते होंगे, फेसबुक की सभी गाइडलाइंस का पालन करते होंगे, उनको मिलेगा कंटेंट मोनेटाइजेशन का टूल। लेकिन रील अगर आप अपलोड करते हैं और आप रील में भी क्वालिटी देते हैं तो ये कोई जरूरी नहीं, आपको ये भी ऑप्शन मिल सकता है और ये भी मिल सकता है। और फाइनली इन स्ट्रीम को बोला है फेसबुक नहीं मोनेटाइज करता है, ऐसा बहुत से लोग बोले, बट ऐसा हो नहीं रहा है। ये चेंजिंग करेगा, ये टूल हटाएगा, लेकिन अभी नहीं हटाएगा, ये सन 2025 तक एक्शन लेगा। जिन लोगों ने हमको स्क्रीनशॉट भेजे थे, बहुत से लोग पूछ रहे थे, तो उनको मैं यही बताना चाहूंगा, अच्छे से आप फेसबुक की गाइडलाइंस को देख लो, अच्छे से उस स्क्रीनशॉट को देख लो, उसमें समझाया गया है, उसमें बताया गया है, ठीक है। इतना तो आपकी समझ में आ गया होगा। अब यहां पर आप लोगों ने देख लिया, रील्स हो गया, बोनस हो गया, यानी रील और बोनस हैं। अगर कंटेंट मोनेटाइजेशन मिल गया और साथ में इन स्ट्रीम भी है, तो उसकी भी अर्निंग हमारे कंटेंट मोनेटाइजेशन में जुड़ेगी। इनसे मतलब नहीं रहेगा, अगर हम डालेंगे सारे तो सारा का सारा रेवेन्यू हमारा कंटेंट मोनेटाइजेशन में दिखाई देगा। इतना आपकी समझ में तो आ गया होगा, इतना अच्छे से आप समझ गए। बाय द वे ऐसा नहीं है कि ये वाला टूल आपका रेड हो गया, बाय द वे ऐड और रील साथ में मिला हुआ है तो क्या फायदा होगा, ये समझ लीजिएगा, ठीक है। अगर ये साथ में मिला हुआ, अगर रील आपका रेड हो रहा है, तो ऐसा नहीं है कि कंटेंट मोनेटाइजेशन में अर्निंग हो रही है तो आपका पूरा पेज रेड हो जाएगा, अर्निंग नहीं होगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। इतना आपकी समझ में आ गया होगा, ठीक। जो टूल आपका रेड होगा उसी की अर्निंग बंद हो जाएगी अगर कंटेंट मोनेटाइजेशन आपका मिला हुआ है। अगर कंटेंट मोनेटाइजेशन ही आपका रेड हो गया तब क्या करेंगे, अगर ये टूल नहीं मिले तो आपका पेज समझ लो पूरा खतरे में है। और एक चीज आपको बता देता हूं, जो आप लोग रील पे काम करते हैं और रील इनेबल करना चाहते हैं, तो इसके लिए मैंने डेडिकेटेड वीडियो बना रखा है कि रील इनेबल कैसे करेंगे फेसबुक के लिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जाकर के देख सकते हैं। अगर आप मेरे से बात करना चाहते हैं, विद कॉल सपोर्ट करता हूं, टेलीग्राम चैनल पे लाइव आता हूं 10 बजे बाद में, ठीक है, रात में, यहां पर लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, फटाफट जाकर के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, क्योंकि वहां पर मल्टीपल सोर्स हम बताते हैं अर्निंग करने के। एवं जिन लोगों के मोनेटाइज वाले पेज हैं भैया, आपके लिए बहुत ही ज्यादा ध्यान देने की बात है, ठीक है। अगर बाय द वे फेसबुक जो होता है आपका 10 से 11 के बीच में दोस्तों आपका पेमेंट जो होता है जुड़ता है, ठीक है, यानी कि 1 से 30 तक का आप काम करते हैं तो 10 या 11 तारीख में आपका पेमेंट जो है जुड़ता है, 16 तारीख में लगभग प्रोसेसिंग में जाता है, ठीक है। तो इस 10 तारीख से लेकर के 21 तारीख को पेमेंट रिलीज करता है। अगर इस बीच में फेसबुक पर ज्यादा वीडियोस डालते हैं, ठीक है, तो फेसबुक बहुत ही ज्यादा नजर कर रहा है, तो आपके पेज को फ्लैग कर दे रहा है, और पेज अगर फ्लैग हो जाएगा तो आप 1 भी रुपए नहीं कमा पाएंगे। अब इसका क्या लॉजिक है भैया, हमें भी नहीं पता है, क्योंकि मेरे भी पेज फ्लैग हो जा रहे हैं, इस चीज को मैं देख रहा हूं कम से कम 3 महीना हो गए, ठीक है। तो हम भैया 10 तारीख के बाद में बिल्कुल भी काम नहीं करते हैं जो मोनेटाइज वाले पेज हैं 21 तारीख तक। तो 10 से 21 के बीच में अगर आप काम नहीं करते हैं तो आपका पेज 95% एकदम सेफ है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। ये मैं कह रहा हूं क्योंकि मैं खुद एक्सपेरिमेंट करके बैठा हूं और बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है। हाँ, नॉन मोनेटाइज पेज हैं, आप ग्रो कर रहे हैं, बाय द वे एड ऑन रील इनेबल करने के लिए या इनस्ट्रीम इनेबल करने के लिए, तो उन पर आप काम कीजिए, रेगुलर काम कीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और एड ऑन रील इनेबल होगा कब भाई, इसका नियम क्या है भाई, इसका टाइम क्या है, कोई टाइम नहीं है। अगर रेगुलर रील्स डालते हैं, अगर आपके कंटेंट में दम है एवं कंटेंट पे कोई जरूरी नहीं कि व्यू आए हुए हो, अगर आपका कंटेंट स्टोरी टाइप के वीडियोस वगैरह रहते हैं, म्यूजिक थोड़ा कम रहता है, तो जिस टाइम में एड ऑन रील सबको मिलेगा यानी कि टूल्स इनेबल करेगा, तो जितने सारे पेज होंगे आपको 90% मिल जाएगा, ये गारंटी के साथ में कह सकता हूं, ठीक है। और फालतू का आप लोगों का टाइम मैं वेस्ट करूंगा नहीं, इतना तो आपकी समझ में आ ही गया होगा, ठीक है। अगर अपने पेज को फ्लैग से बचाना है, ठीक है, तो आपको ये काम करना होगा। और आप लोग जो ये आपका पेआउट होता है, बहुत से लोगों का पेआउट सस्पेंड हो जा रहा है, एडमिन चेंज करते हैं, तो अभी आप लोग एडमिन नहीं चेंज कीजिएगा, क्योंकि फेसबुक का बहुत ही बड़ा बग चल रहा है, ठीक है।
तो अगर आप अभी करते हैं तो दिक्कत आ जाएगी, उस प्रॉब्लम को कैसे सोल्व करेंगे। अगर आप लोग चाहते हैं कि आपके लिए वीडियोस बनाऊं, अगर आप कमेंट्स करेंगे नीचे, ठीक है, तो वीडियो भी उस टॉपिक पर मैं लेकर के आ जाऊंगा। तो इतना तो आपकी समझ में आ गया होगा। और एड आ रील को नए तरीके से कैसे इनेबल करना है आपको मैंने तरीका बता दिया, आपकी समझ में आ गया होगा और कुछ भी आपको करने की जरूरत नहीं है। तो अगर वीडियोस आपको थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो वीडियोस को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दो, ताकि हमारे वीडियोस का आने वाला हर नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।